बाबा महाकाल की नगरी में नवरात्रि पर्व का रंग जमने लगा है। उसी के साथ ही गरबों का आयोजन भी शुरू हो चुका है। नवरात्रि के पर्व के दौरान ही डालडा फैक्ट्री ग्राउंड में अलख उज्जैनी डांडिया महोत्सव समिति द्वारा डांडिया महोत्सव मनाया जा रहा है। यदि आप हमारे चैनल की खबरों के पूरे वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्द ही YouTube में लाल बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें, उसके बाद घंटी पर क्लिक करें, आपको पूरी खबरें पूरे वीडियो देखने को मिलेंगे। यह बिल्कुल निशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। तो अभी लाल बटन सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए और उसके बाद घंटी पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद। बाबा महाकाल की धार्मिक नगरी उज्जैनी में यूं तो धार्मिक पर्व बड़े उत्साह एवं उमंग के साथ मनाए जाते हैं। इसी तरह इन दिनों 9 दिवसीय नवरात्रि पर्व की शुरुआत होते ही शहर में चारों तरफ जय माता दी के जयकारों की गूंज छाई हुई है और जगह जगह माँ दुर्गा की प्रतिमा विराजित कर कई धार्मिक उत्सव मनाए जा रहे हैं। साथ ही परंपरा अनुसार गरबे भी हो रहे हैं। इस बार युवतियों द्वारा बॉलीवुड के हिट सॉन्ग्स पर मॉडर्न और पारंपरिक गरबों की शानदार प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। जी हां, मक्सी रोड स्थित डालडा ग्राउंड में अलख उज्जैनी डांडिया महोत्सव समिति व लक्की दरबार मित्र मंडली द्वारा डांडिया महोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि पिछले कई वर्षों से माँ दुर्गा की प्रतिमा विराजित कर कई धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। इस बार भी पांडाल में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस बार आनंद खींची एवं लक्की दरबार मित्र मंडली द्वारा नवरात्रि महोत्सव मनाया जा रहा है। इस बार हाईटेक लाइट इफेक्ट डेकोरेशन के साथ मंच पर यूट्यूब द्वारा बॉलीवुड के हिट सॉन्ग्स पर शानदार मॉडर्न गानों की प्रस्तुति पर गरबे की प्रस्तुति दी जा रही है, जिसको देखने के लिए आसपास के रहवासी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और आयोजित धार्मिक उत्सव सहित शानदार गरबों का आनंद ले रहे हैं। समिति द्वारा दर्शकों के बैठने और रुकने की उत्तम व्यवस्था की गई है, साथ ही फैमिली के लिए अलग से व्यवस्था उपलब्ध की गई है। Yeah.
मक्सी रोड के क्षेत्रवासियों की ओर से एक बहुत दिनों से कमी महसूस की जा रही थी कि एक पूरा बैंड हमारा एक बड़े आयोजन के लिए खाली था। हम सभी मित्र मंडली के साथ में भाई लक्की दरबार, पप्पू चौधरी जी, लोकेन्द्र सिंह जी गौड़ और यहाँ की समस्त मित्र मंडली हरीश लक्की जी सभी ने मिलकर के ऐसा प्रयास किया है कि हम मक्सी रोड पर एक भव्य गरबे का आयोजन करें जिससे इस क्षेत्र की जनता को भी लाभ पहुँच सके और इस गरबे का स्तर भी मेरा ऐसा मानना है कि दशहरा मैदान या सामाजिक न्याय परिसर इसी स्तर का यह आयोजन होने वाला है। यहाँ पर फ्री स्टाइल गरबे, बच्चों के लिए यहाँ पर झूले, चक्री वगैरह की सारी व्यवस्था और सर्व सुविधा युक्त हमने यहाँ पर बैठने की माता बहनों के लिए व्यवस्था की है। प्रयास करेंगे कि और जो भी सुधार हम आने वाले वर्षों में कर सकें। कितने वर्षों से इस तरह का उत्सव मनाया जा रहा है, इस बार क्या कुछ नया करा आपने? लगातार 5-6 साल से हम गरबा करा रहे हैं। इस बार अलग संस्था उज्जैन के नाम से गरबे कराए। अगली बार कार्यक्रम छोटा होता था मगर इस बार कार्यक्रम बहुत हाईटेक प्रोग्राम ने करा है। हम जितने भी समिति के लोग थे सबने बोला इस बार मैदान में प्रोग्राम करेंगे, मैदान में गरबा। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है अभी तक, और बच्चों के लिए व्यवस्था अच्छी है, महिलाओं के लिए भी अच्छी, बैठने की व्यवस्था है। कहीं ना कहीं दशहरा मैदान सामाजिक न्याय परिषद के सोच के हिसाब से दशहरा मैदान तरन ताल से अच्छा प्रोग्राम हम यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे हैं करने की, और बहुत अच्छा प्रोग्राम आपको यहाँ दिख रहा है करने अभी तक। नवरात्रि पर्व की शुरुआत होते ही शहर में जगह जगह शक्ति की आराधना की जा रही है। इसी के तहत शहीद पार्क पर मां शारदा समिति द्वारा 500 कन्याओं का पूजन कर उनको प्रसादी वितरित की गई। इस दौरान शहर के जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक मौजूद थे। बाबा महाकाल की धार्मिक नगरी उज्जैनी में यूं तो धार्मिक पर्व बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाए जाते हैं। इसी दौरान नवरात्रि पर्व के 9 दिनों तक शहर में जय माता दी के नारे गूंजते रहते हैं। जगह जगह दुर्गा माँ की प्रतिमाएं विराजित कर कई धार्मिक उत्सव मनाए जाते हैं। इसी तरह गुरुवार को शहीद पार्क पर माँ शारदा समिति द्वारा माँ दुर्गा की महा आरती कर शांभवी पाद पूजन एवं सामूहिक कन्या भोजन का आयोजन किया गया, जिसमें एक साथ 500 कन्याओं का पूजन कर उन्हें प्रसादी वितरित की गई। इस दौरान कार्यक्रम आयोजक विक्की लश्करी, अतिथि ओम मेघवंशी, जयंतराव गरुड़, आनंद खींची ने माता की महा आरती कर कन्या पूजन किया। इस दौरान कमलेश मालवी, सकल चौहान, प्रवीण पाटीदार, अभिषेक राठौर, नितिन स्वराष्ट्र, लखन वर्मा, अभिषेक राव, रवि बाला, तरुण लश्करी, रोहित पांडे, लोकेंद्र सिंह जादौन, ऋषभ मालवी, शुभम सिंह राजपूत, दीपक यादव, विशाल नाहर, कपिल आंजना, शिवम दिसावल, शुभम शिंदे, अखिलेश पाटीदार सहित बड़ी संख्या में विक्की लश्करी मित्र मंडली के सदस्य मौजूद थे। यहाँ माँ शारदा के तत्वाधान में शांभवी पाद पूजन का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था, जहाँ पर 501 कन्याओं का, ये उज्जैन के इतिहास में पहली बार एक ऐसा अद्भुत संयोग यहाँ पर बना है अवंतिका नगरी में, जब 501 कन्याओं का एक साथ पूजन यहाँ पर किया गया। और इसमें हमारे बीच में भोपाल से पधारे थे हमारे अंशुल तिवारी जी, उसी के साथ यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद थे जयंत राव गरुड़ जी, हमारे विभाग प्रचारक विनय दीक्षित जी और ओम मेघवंशी जी, ये सब हमारे अतिथिगण मौजूद थे और इनके द्वारा कन्याओं का पूजन वहाँ पर किया गया। तत्पश्चात कन्याओं के पूजन के बाद उन्हें प्रसादी यहाँ पर वितरित की गई, तत्पश्चात वो अपने घर की ओर यहाँ पर जयकारो सेरा वालिदा।